नमस्कार, मैं आपके साथ रोहित। दिल्ली कैपिटल्स ने आईपीएल 2021 के पहले चरण में बेहतरीन खेल दिखाया था। दिल्ली ने पहले हाफ में कुल 8 मुकाबले खेले, जिसमें 6 मैचों में जीत मिली। पहला चरण खत्म होने पर दिल्ली कैपिटल्स की टीम अंक तालिका में पहले पायदान पर थी। फिलहाल दिल्ली इस समय दूसरे नंबर पर है, इसीलिए आज जब ये टीम खेलने उतरेगी तो जीत के इरादे से उतरेगी। तो आइए जानते हैं कि पंत किन खिलाड़ियों के साथ अंतिम 11 लेकर उतर सकते हैं। सबसे पहले टॉप ऑर्डर की बात करें तो दिल्ली कैपिटल्स के लिए ओपनर बल्लेबाज शिखर धवन ने पहले चरण में 8 मैचों में कुल 380 रन बनाए हैं। वहीं दूसरे ओपनर बल्लेबाज पृथ्वी शॉ ने भी शानदार प्रदर्शन किया है और उनका भरपूर साथ दिया है। पृथ्वी ने शानदार बल्लेबाजी की है और 8 मुकाबलों में 308 रन बनाए हैं, मतलब यही दोनों इस मैच में भी ओपनिंग करते हुए दिखाई देंगे। इसके बाद मिडिल ऑर्डर में बात करें तो श्रेयस अय्यर, ऋषभ पंत, स्टीव स्मिथ और सिमरान हेटमायर के रूप में ये 4 खिलाड़ी शामिल होंगे। अय्यर चोट के बाद वापसी कर रहे हैं तो उन पर सबकी नज़रें रहेंगे। वहीं लोअर मिडिल ऑर्डर में बात करें तो रविचंद्रन अश्विन और अमित मिश्रा होंगे, ये दोनों टीम के स्पिन गेंदबाजी का भी जिम्मा संभालेंगे। जबकि लोअर ऑर्डर में कगिसो रबाडा, आवेश खान, मार्कर स्टोइनिस होंगे, मतलब दिल्ली की प्लेइंग 11 कुछ इस तरीके से होगी, जिसमें ऋषभ पंत, शिखर धवन, पृथ्वी शॉ, स्टीव स्मिथ, श्रेयस अय्यर, सिमरान हेटमायर, अमित मिश्रा, रविचंद्रन अश्विन, कगिसो रबाडा और आवेश खान होंगे। इसके अलावा मार्कस स्टोइनिस भी टीम में शामिल होंगे। बता दें कि यह मुकाबला दुबई में शाम 7:30 बजे से खेला जाएगा। आप बताएं दिल्ली कैपिटल्स की अंतिम 11 आपके हिसाब से क्या होनी चाहिए।